हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 25th में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। ये वीडियो में आपको बताऊंगा टाइप ऑफ कंटेनर इन एक्सपोर्ट। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कौन से टाइप के कंटेनर आते हैं, आपका जो कार्गो है कौन से कंटेनर में एक्सपोर्ट होगा। जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं तो गुड्स को हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में भेजना, और इंपोर्ट करते हैं मतलब गुड्स को किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में लाना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर गुड्स खराब हो सकता है या गुड्स का एक्सीडेंट हो सकता है और बायर की कंप्लेन आ सकती है। तो बायर की कंप्लेन ना आए और आपका कार्गो सही सलामत डेस्टिनेशन तक पहुंचे, बायर तक पहुंचे, उसके लिए आप कंटेनर का यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बहुत सारे कंटेनर आते हैं, जो कंटेनर आपके कार्गो को शूट हो वो कंटेनर का यूज करके आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं साइज की बात करूँ तो 20 फीट का कंटेनर आता है, 40 फीट नॉर्मल और 40 फीट हाई क्यूब कंटेनर आता है। जनरली जो है ये कंटेनर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर यूज होते हैं। अब कंटेनर के टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के कंटेनर आते हैं, जैसे कि ड्राई स्टोरेज कंटेनर। आप नॉर्मल कंटेनर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं नॉर्मल कंटेनर, ड्राई स्टोरेज कंटेनर इसको बोलते हैं। ड्राई स्टोरेज जो कंटेनर है उसे जनरल पर्पस कंटेनर भी बोलते हैं। इसके अंदर आप कोई भी कार्गो भेज सकते हो जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत ना हो। जैसे कि कोई फ्रूट वेजिटेबल है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उसमें टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए रिफर कंटेनर आता है। बट जनरल पर्पस कंटेनर में जो है आप कोई भी कार्गो जनरली जो है जिसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है उसको आप भेज सकते हो। नेक्स्ट है फ्लैग रैक कंटेनर। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लैग रैक कंटेनर कैसा होता है। तो ये जो है पूरा ओपन कंटेनर होता है, तो आपका कोई आउट डायमेंशन कार्गो है जैसे कि कंटेनर के अंदर नहीं आ सकता, आउट साइज और आउट डायमेंशन कार्गो को आप इस कंटेनर के अंदर भर सकते हो। नेक्स्ट है ओपन टॉप कंटेनर। तो यहाँ पे क्या होता है, फोटो में देख सकते हो ऊपर से टॉप जो होता है कंटेनर का वो ओपन होता है, मतलब इसके अंदर आप कोई ऊपर से भी कार्गो भर सकते हो। इसमें क्या होता है कई बार ऐसा मशीन वगैरह इसको क्रेन से ऐसे अंदर नहीं डाल सके कंटेनर के अंदर, तो उसको ऊपर से भी जो है कंटेनर के अंदर स्टफ कर सकते, तो इसलिए आता है ओपन टॉप कंटेनर आता है। नेक्स्ट है टनल कंटेनर। आप फोटो यहां पे देख सकते हो, टनल कंटेनर क्या होता है कि दोनों साइड से उसको ओपन कर सकते हो, टनल जैसा होता है, दोनों साइड से ओपन उसके डोर होते हैं। तो उसके अंदर ऐसा कोई कार्गो है जो कोई मशीनरी वगैरह दो पार्ट में है, तो एक साइड से एक पार्ट अंदर आप स्टफ कर सकते हो, दूसरी साइड से आप दूसरा पार्ट स्टफ कर सकते हो और जो है आपके कार्गो को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ओपन साइड स्टोरेज कंटेनर, मतलब एक कंटेनर जो है साइड में से खुलता है, तो ओपन साइड कंटेनर होता है उसके अंदर उसको भर के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है रिफर कंटेनर। यस, ये रिफर कंटेनर जो है मेनली फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल फ्रोजन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हो, माइनस टेम्परेचर भी आप मेंटेन कर सकते हो, प्लस टेम्परेचर भी आप मेंटेन कर सकते हो। आप फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल वगैरह एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसका जो टेम्परेचर है वो प्लस में होता है, और लाइक फ्रोजन फिश वगैरह है तो उसका जो टेम्परेचर है माइनस में रखना पड़ता है। तो दोनों आप जो है एक कंटेनर के अंदर जो है मेंटेन कर सकते हो और आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इंसुलेटेड और थर्मल कंटेनर। तो आप फोटो यहां पे देख सकते हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो आप थर्मल कंटेनर के अंदर भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है टैंक कंटेनर। तो आप यहां पे देख सकते हो कोई लिक्विड आपको एक्सपोर्ट करना है, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ऐसी कोई लिकर प्रोडक्ट होगी, एडिबल ऑयल हो गया, केमिकल्स हो गया, तो उसको जो है आप टैंक कंटेनर के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कार कैरियर। तो आप कार एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप फोटो यहां पे देख सकते हो, तो ऐसे स्पेशल कार कैरियर कंटेनर भी आते हैं जिसके अंदर आप कार को स्टफ करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जनरली जो है इतने टाइप के कंट्री यहाँ पे आते हैं, तो आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो इसमें आपका जो कार्गो भर के एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो ऐसे ही कंट्री में जो है आप अपना कार्गो इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत ही सिंपल है, आप भी ये बिजनेस कर सकते हो। और एक्सपोर्ट करने से हमारी गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है, फॉरेन करेंसी आता है, तो एक्सपोर्ट करना बहुत ही अच्छी बात है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। तो आप भी जो है प्रॉपर नॉलेज एंड राइट मेंटरिंग से आप भी सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।